तो सुमित कुमार गर्ल्स ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हाजिर हो चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग होता है या नहीं होता है। बेसिकली यही डाउट रहता है जो भी कोडिंग करता है, जो भी प्रोग्रामिंग नहीं करता है या करता है, उसको एक ही डाउट रहता है कि जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसका मतलब हैकिंग होता है या नहीं होता है। तो आज इसी डाउट का सॉल्यूशन करने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिएगा, मेरे हिसाब से या कोडिंग की भाषा में अगर हम बात करें तो C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग नहीं होता है। बट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ परसेंट लोगों को लगता है कि C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग होता है। तो ये डाउट मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि C++ प्रोग्रामिंग में जो आप कोड लिखते हैं उसका हैकिंग से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं होता है। C++ प्रोग्रामिंग का यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बट हैकिंग का यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। हम उस सॉफ्टवेयर को हैक कर रहे हैं, मतलब हम उसका एक्सेस ले रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ अ यूजर, मतलब जिसने जो डेवलप किया है। मान लीजिए मैं ही YouTube पे जो कंटेंट बना रहा हूँ, अभी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो YouTube का मोनेटाइजेशन जो फीचर है उसका एक्सेस नहीं है जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हो जाता है, और किसी ने बाय डिफॉल्ट हैकिंग से वो कर लिया, तो वो क्या होगा, YouTube की पॉलिसीज के अगेंस्ट होगा, वो कहलाएगा हैकिंग। बट वहीं अगर जो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, जो डेली अपलोड कर रहा है कंटेंट, धीरे धीरे जिसके सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं या एकदम से उसके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया किसी वीडियो की वजह से, तो वो हैकिंग नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा वो प्रोग्रामिंग। मान लीजिए आप वो प्रोग्रामिंग के बेस से उसने किया है, मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करने का है, और हैकिंग क्या है, डायरेक्ट वे है किसी चीज को बिना उस यूजर की मदद के या बिना उस यूजर के पता किए जानकारी में हुए अपने सीधा उसके डिवाइस को एक्सेस कर लिया। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और हैकिंग मैंने खुद ने ट्राई किया है कि C++ प्रोग्रामिंग से हैकिंग नहीं होती। हैकिंग के लिए कुछ अलग फीचर, कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब जाकर के पूरी हैकिंग होती है, अदरवाइज हैकिंग नहीं होती है। तो इसलिए C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग नहीं होता है, ये विचार आप अपने दिमाग से निकाल दे। और आपको जो भी बोलता है कि C++ प्रोग्रामिंग का मतलब हैकिंग होता है, तो उसको एक ही बात बोलना मेरे भाई, आपको आती होगी C++ प्रोग्रामिंग से हैकिंग करना, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है, हम प्रोग्रामर है, हम हैकर नहीं है। हैकिंग के लिए कुछ अलग कोर्सेज होते हैं, लाइक जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ शायद काले लिनक्स का यूज होता है बेसिकली हैकिंग के लिए, और लिनक्स के बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है जिससे हैकिंग की जाती है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि काले लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल बॉक्स की मदद से उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे काले लिनक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्टेब्लिश करते हैं, वो सब आने वाली वीडियोज में आपको बता दूंगा। तो वीडियो, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं देख रहा था कि मोस्ट ऑफ द जो व्यूवर्स हैं वो वॉच करते हैं वीडियो को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस सुमित कुमार गर्सा ऑफिशियल के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आप ऐसी मजेदार वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप सर्च करते रहोगे कि सुमित कुमार गर्सा ऑफिशियल, फिर आप वीडियो देखोगे तो ऐसे थोड़ा ओड लगता है, आपको भी बोरिंग लगता होगा कई बार, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो, जो भी मैं कंटेंट डालूं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन हो। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी चाहे मेरे साथ लाइव आना वो लाइव आ सकता है। न्यू ईयर पे हम लाइव भी आएंगे, कुछ नए फीचर्स के साथ आएंगे, कुछ नई टेक्निक्स के साथ हम आएंगे, कुछ नए कंटेंट के साथ हम आएंगे इस बार, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आने वाला हूँ, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ इस आने वाले नए साल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन कीप वॉचिंग सुमित कुमार गरसा ऑफिशियल।